आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। बड़ी खबर बिहार के नालंदा से आ रही, जहां नालंदा के मुड़ला बिगहा गांव में शौच के लिए गए युवक की तालाब में शव मिली है। वहीं डूब करके मौत की आशंका जताई गई। आपको बता दें कि नालंदा जिले के नालंदा में शौच के लिए घर से निकले एक युवक का शव तालाब से बरामद किया गया है, जहां परिजन पानी छूने के दौरान पैर फिसलने से डूबकर के मौत की आशंका जता रहे हैं। वहीं मृतक इस्लामपुर प्रखंड अंतर्गत मुड़ला बिगहा गांव निवासी विद्यानंद यादव के 35 वर्षीय पुत्र विनोद प्रसाद के रूप में बताई गई है। वहीं घटना के संदर्भ में मृतक के परिजनों ने बताया कि आज सुबह विनोद प्रसाद शौच के लिए घर से बाहर खेतों की ओर गए थे और समय हो जाने के बावजूद जब वह घर से नहीं वापस आए तो उनकी खोजबीन की गई, जहां राहगीरों द्वारा पता चला कि एक शव तालाब में उतरा रहा है, जिसके बाद शव की पहचान की गई। वहीं मौत की खबर जैसे ही घर वालों को मिली, परिवार में कोहराम मच गया है, जहां मृतक अपने पीछे 6 बच्चों का भरा पूरा परिवार छोड़ गया है। जहां मृतक पशुपालन का काम करते थे और खटाल चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। जहां मौत की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। शौच के लिए गया तो अच्छा, कैसे घटना का पता कैसे चला? खोजने के लिए निकले तो पता चला कि नदी में गिरा हुआ। आज सुबह की घटना है। क्या नाम है आपका? बिहार के नालंदा से ब्यूरो चीफ वीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।